सो हेलो, वेलकम बैक गाइज। वंस अगेन आप सभी के लिए सबसे बेस्ट टूल लेके आया हूँ, जिसके हेल्प से आप किसी भी पीडीएफ को एडिट एक ही क्लिक, सिंगल क्लिक में कर सकते हैं। कोई भी टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, कोई फॉन्ट चेंज नहीं होगा। सिंपल जो आपके पीडीएफ में फॉन्ट है, सिंपली उसी फॉन्ट को वो कंटिन्यू करके आपका पीडीएफ को एडिट कर देगा सिंपली। और उसके बाद आप उस पीडीएफ में आप इमेज भी ऐड कर सकते हैं फ्री हैंड यूज करके। उसमें एज ए सिग्नेचर के लिए आप सिग्नेचर भी कर सकते हैं, या कुछ लिखना है टेक्स्ट ऐड करना है टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। बहुत सारा फीचर्स आपको ये टूल आपको प्रोवाइड करता है। तो सिंपली इस वीडियो को बनाते हैं और इसको आगे दिखाते हैं कि आपको किस तरह से इसको यूज करना है, कौन सा वेबसाइट पे विजिट करना है। और ये सिंपली आपको फ्री में एक्सेस मिलेगा इसका, और फ्री में इसको सिंपली यूज कर सकते हैं। इसके लिए कोई प्रीमियम सॉफ्टवेयर या कहीं पे करने का ज़रूरत नहीं है। तो सिंपली वीडियो में बने रहिए, विदाउट स्किप किए हुए वीडियो को सिंपली एंड तक फॉलो कीजिए। सो गाइस, सबसे पहले तो आपको गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है, और नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको सिंपली टैप करके आपको यहाँ पे आ जाना है गूगल क्रोम पे। जैसे कि आपको यहाँ पे इसका नाम हो जाता, आपका जो नाम है वेबसाइट का पीडीएफ स्कैप, सिंपली आप टाइप भी कर सकते हैं। टाइप करने के बाद, इंटरप्रेस होने के बाद, आपको इस तरह का फर्स्ट जो पेज दिख रहा है, फर्स्ट वेबसाइट, सिंपली आपको इस पे सिंगल टैप करके या इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस शो हो रहा होगा, जहाँ कि आपको यहाँ पे नेवबार में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑनलाइन टूल जहाँ पे मिल जाता है। इसमें आपको मर्ज पीडीएफ कंप्रेस कर सकते हैं, पीडीएफ को वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, और पीडीएफ एडिटर भी मिल जाता है, और इसका अबाउट सपोर्ट, लॉग आउट, बहुत सारा फीचर्स आपको मिल जाता है नीचे में आप देख सकते हैं। तो सिंपली आपको कहीं नहीं, बस यहाँ पे हमको फ्री यूज करना है। तो सिंपली आपको यहाँ पे अकाउंट भी नहीं बनाना है, कहीं लॉगिन भी नहीं करना, लॉगिन करना पड़ेगा, फर्स्ट टाइम लॉगिन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको जस्ट फ्री ऑनलाइन पे टैप करना है। टैप करने के बाद आपको ये इंटरफेस इस टाइप का शो हो रहा होगा, जहाँ पे आपको बहुत सारा फीचर्स मिल जाता है, कि जैसे कि आपको जो डॉक्यूमेंट है आपका, किस तरह से आप इसको इसमें इम्पोर्ट करना है। तो सिंपली इसमें इम्पोर्ट करने के लिए आप यहाँ पे अपलोड पीडीएफ टू पीडीएफ स्कैप पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, या अपने जो लोकल फाइल है उससे सिंपली चूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे, जहाँ पे मेरा डॉक्यूमेंट है, एज ए सिंपल सिंपल पीडीएफ, मैं एक यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं आपको कुछ करके दिखाता हूँ, जिसमें कि आप कुछ टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं, और उसमें हम इमेज भी ऐड करके देखेंगे, और सारा जितना भी फीचर्स है सारा को यूज करके देखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पीडीएफ ओपन हो चुका है। सिंपली मैं इस पीडीएफ के टेक्स्ट को अभी जस्ट एडिट करने वाला हूँ, तो सिंपली मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, जिससे कि आपको आसानी से दिख पाए। तो सिंपली देख सकते हैं कि मैंने इसको जूम कर लिया, और यहाँ पे देख सकते हैं एक हैंड दिख रहा है कि इससे आप स्क्रॉल कर सकते हैं। तो अब इसको एडिट करना है, तो एडिट करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे एक पेन टाइप का आइकन है, इस पर सिंपली प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आपको जहाँ भी एडिट करना है सिंपली वहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कि ये एडिट का ऑप्शन आ चुका है। तो सिंपली मैं यहाँ पे बैक स्पेस से सारा टेक्स्ट को हटा के एक नेक्स्ट अपना जो टेक्स्ट है, जो भी हमको लिखना है, आप देख सकते हैं, एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि आप जो यूज कर रहे हैं, आप जो टेक्स्ट लिख रहे हैं, तो ये उसी वे में एक वही फॉन्ट यूज करके ये टाइप कर रहा है, इसमें कोई कस्टमाइज करके नहीं है। और सिंपली इसमें आप जो है कलर भी करेक्शन कर सकते हैं, आपको कलर चेंज करना है तो आप यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकते हैं, साथ ही साथ इसका डायरेक्शन चेंज करना है या कुछ भी चेंज करना है, या इसको बोल्ड करना है, तो आप सिंपली इसको कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे जितना भी आपको फीचर्स एमएस वर्ड में मिलता है, सिंपली एक तरह से समझ सकते हैं कि एमएस वर्ड में वर्क कर रहे हैं, उस टाइप से आप इसको एडिट कर सकते हैं एज ए पीडीएफ में। और यहाँ पे देख सकते हैं, मैं नीचे में अगर यहाँ पे कुछ लिखना है तो यहाँ पे भी मैं टाइप कर सकता हूँ सिंपली, जैसे कि मैं आपको टाइप करके दिखा रहा हूँ, एंड आपको यह फ्री में डाउनलोड करके भी दिखाऊंगा कि किस तरह से इसको फ्री में आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ टाइप किया टेक्स्ट, और जैसे पहले था और अभी देख सकते हैं कितना डिफरेंस है, मैंने सारा एडिट कर लिया है। और यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो इसमें बहुत सारा टूल भी मिल जाता है, जैसे कि इमेज ऐड करना है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा फीचर्स यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, फर्स्ट में आपको यहाँ पे टेक्स्ट का मिल जाता है, राइट आउट, फ्री हैंड एंड इमेज लिंक, कुछ भी। अगर लिंक आपको पीडीएफ में लिंक कहीं इंसर्ट करना है तो लिंक का यूज करके वहाँ पे लिंक
डाल के वहाँ से रिडायरेक्ट करने का जो ऑप्शन होता है वो आप अटैच कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ईमेल पे क्लिक करके इसमें आपको एक इमेज ऐड करके दिखाता हूँ। जैसे कि एज एन एग्जांपल मैं एक इमेज ले लेता हूँ। जैसे कि मैं एक इमेज यहाँ पे सेलेक्ट करके ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पे देखिए अब जो है इस तरह का प्लस का आइकन आ गया। तो सिंपली आपको जहाँ पे आपको पेस्ट करना है सिंपली आपको लेफ्ट बटन, माउस का लेफ्ट बटन क्रिएट करके आपको जस्ट ऐसे स्क्रॉल करके छोड़ देना है। उसके बाद देख सकते हैं इंसर्ट हो रहा है और थोड़ा सा समय लेने के बाद ये इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, अपने साइज़ के हिसाब से किस तरह से आपको एडजस्ट करना है। उसके बाद एडजस्ट करने के बाद आप सिंपली देख सकते हैं कि इमेज आपका कैसा दिख रहा है, किस टाइप का दिख रहा है। आपका जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप एडिट करके दे रख सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं वहाँ पे सिंपली टैग टेक्स्ट पे क्लिक करना है और आपको जहाँ पे भी टेक्स्ट को टाइप करना है वहाँ पे सिंपली क्लिक कर देना है। तो आपको इस तरह का शो होने लगेगा। जैसे कि मैं कुछ यहाँ पे टाइप करके दिखा रहा हूँ, जैसे कि देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप इसका जो है फॉन्ट चेंज करना है तो यहाँ पे वो भी मिल जाता है। आप फॉन्ट भी इसका चेंज कर सकते हैं और उसके बाद आप इसको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है इसका, या फॉन्ट साइज को कस्टमाइज करना है, या कलर चेंज करना है। आप सारा कुछ इसमें फीचर्स दिया हुआ है, सिंपली आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद जैसे कि आप टेक्स्ट देख लिए, अब यहाँ पे मान लीजिए एज सपोज कि आपको सिग्नेचर कहीं चाहिए। जैसे कि एक मुझे चाहिए यहाँ पे सिग्नेचर, और सिग्नेचर के लिए आपको आप जो है कॉपी पे पेन पे एक लिख के उसको स्कैन करके डालना होता है। लेकिन यहाँ पे आपको एक फीचर्स मिल जाता है फ्री हैंड का, जिस पे कि सिंपली टैप करने के बाद यहाँ पे सिंपली आप अपने माउस के कर्सर से आप यहाँ पे सिग्नेचर भी कर सकते हैं। जिस तरह का आप सिग्नेचर हो उतना बेटर आप यहाँ पे सिग्नेचर कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं पे क्रॉप करना नहीं है, फोटोशॉप नहीं जाना है क्रॉप करने के लिए। सिंपली आप यहाँ पे टूल को सिलेक्ट करके यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लिंक का भी ऑप्शन मिल जाता है। सिंपली लिंक पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिंक पर क्लिक करने अगर जो भी आपको लिंक देना है यहाँ पे लिंक दीजिएगा, तो सिंपली टैप करने के बाद तो लिंक ओपन हो जाएगा। तो इसमें आप जो है लिंक भी अटैच कर सकते हैं। इसमें बहुत सारा फीचर्स आपको मिल जाता है। तो अब जैसे कि आप सभी देख सकते हैं कि मेरा एक इस टैप का जो PDF अभी शो हो रहा है, दिख रहा है। और यहाँ पे अब हमको इसको डाउनलोड करना है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट पेइंग एनी चार्जेस। सो सिंपली आपको गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड का बटन दिया हुआ है। सिंपली आपको इस बटन पे सिंगल टैप करना है और आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ नहीं मांग रहा है। बस यहाँ पे आपका डाउनलोड का प्रोसेस कंप्लीट होने ही वाला है, क्योंकि अब बस आपको फाइल नेम चूज करना है या फाइल नेम सेम रहने देना है। तो मैं यहाँ पे फाइल नेम चेंज कर रहा हूँ और एक जो लोकेशन जहाँ पे आपको सेव करना है वहाँ पे जाके जस्ट सेव पे टैप करना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सेव हो गया। और सिंगल क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ एज प्रूफ कि देख सकते हैं आप यहाँ पे आपको सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे उस वेबसाइट का कहीं पे वाटर मार्क भी नहीं मिलता है, जिससे कि आप कहीं पे भी इसको इजीली यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप सब देख सकते हैं ये वही PDF है जो मैंने अभी एडिट किया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कहीं पे भी एक भी वाटर मार्क उस वेबसाइट का नहीं है। तो सो गाइज इन दिस वीडियो बस इतना ही। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। चाहे